नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस बनाम कांग्रेस का बेरोजगार दिवस। आखिर ये क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया, कहीं कोविड कैंप जगाए, सेवा समर्पण भाव से कार्यकर्ताओं ने भी काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उसके विरुद्ध आज बेरोजगार दिवस मनाया। आखिर क्यों, ये विषय क्यों आया बार बार? कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, मांग कर रही है कि जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। इस विषय पर चर्चा करेंगे आज। आज कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले परिचय करा दें आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे नमस्कार। स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल ब्रज गोपाल लोया जी आपसे लेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जश्न मनाया और समर्पण के साथ सेवा कार्य किए। कोविड काल के दौरान जो समस्याएं थी उनको भी आज जो बातचीत हुई है, तो क्या लगता है आज कांग्रेस ने इसके विरोध में बेरोजगार दिवस मनाया? उनका आरोप है कि जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे देश से, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। हृदय जी, देखिए, इसमें आपने दो बातें एक साथ कही। जी एक यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का केवल कार्यकर्ता ही नहीं, इस देश का प्रत्येक देशभक्त नागरिक बड़े उत्साह और आनंद के साथ मना रहा है। और इसलिए नहीं मना रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए मना रहा है कि वो देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत माता का सर पूरे विश्व में ऊंचा किया है और भारत को कई ऐसे माइलस्टोन दिए हैं जिसके लिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा होती है और उनके जो निर्णय होते हैं उनकी प्रशंसा होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी उन्हें अपने उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात कांग्रेस का आपने एक कही आरोप कि राहुल गांधी जी, जी बोलिए। उसका भी बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है, तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित देश के बेरोजगारों के साथ खड़ी है, सरकार खड़ी है और उनकी बेहतरी के प्रयत्न हो रहे हैं। और रोजगार के अवसर, जैसा कि आपने देखा है कि जून में बढ़े, फिर जुलाई में उससे ज्यादा बढ़े, फिर अगस्त में बढ़े और सितंबर में और बहुत बेहतर स्थिति है। अर्थव्यवस्था 20% से अधिक तेजी से सुधरी है। परंतु जिस बेरोजगारी की चर्चा कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी जी के बेरोजगारी हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जो पद चाहते हैं वो पद रिक्त नहीं है, तो उनकी बेरोजगारी दूर होने की संभावना तो नहीं है। परंतु जो देश का जो नौजवान है उसकी बेरोजगारी की चिंता सरकार कर रही है और निश्चित करेगी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और जबकि एक सामान्य परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वाह भी कांग्रेस नहीं कर पाई। आपको यह सब करने के लिए बहुत दिन थे। आज देश इतिहास बना रहा था। आज देश ने 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, जितनी कई देशों की आबादी नहीं है। दुनिया में केवल 28-30 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी इस 2.5 करोड़ से अधिक है। उतना तो केवल आज वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है। हर व्यक्ति आनंद में है, कहीं फलों का वितरण हो रहा है, नहीं ये कहीं बात तो मुझे दिव्यांगों राम को पांडे जी बेहतर उपकरणों का पाएंगे, भी क्योंकि देश आज बेरोजगारी महंगाई जी से जूझ रहा है, ये तो एक कटु सत्य जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राम पांडे जी, आज जी कांग्रेस के जी गंभीर आरोप थे कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, कांग्रेस का आरोप है कि नहीं मिला। 15 लाख देने का वादा किया था, वो भी नहीं मिले। तो आज बेरोजगार दिवस मनाया था, क्या वजह है? देखिए, जो जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक बात है। आज पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी राष्ट्रपति इस कोरोना काल में अपना जन्मदिवस नहीं मना रहा है। हर जगह लाखों लोग मारे गए हैं और हमारे देश में तो 50 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं कोरोना के कारण। अब 50 लाख लोगों की लाशों पर आप केक रखकर काट रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। कुछ दिन पहले ही गंगा में लाशें तैर रही थी और लोग कैसे तड़प तड़प कर मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, और कैसे लोगों के इलाज कराने में उनकी मकान और दुकान बिक गई है। तो ये तो मतलब बहुत ही, देखा जाए तो जो ढोंगी नाटक नौटंकी वाले लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जिनको डूब कर मर जाना चाहिए कि जहां लोगों की मौत हुई है उन लाशों पर आप डांस कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा बोला गया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए। तो
मतलब 14 करोड़ लोगों को आपको नौकरी देना थी, 14 करोड़ आपने बेरोजगार कर दिया, 28 करोड़ लोगों के साथ आपने धोखा दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि आप किसी भी अखबार को और किसी भी शहर के अखबार को उठा लीजिए, उसमें एक दो खबर ऐसी आ जाएगी कि आर्थिक तंगी के कारण या बेरोजगारी के कारण नौजवान ने आत्महत्या की, आर्थिक तंगी के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या की, आर्थिक तंगी के कारण पिता ने अपने पूरे परिवार को मार डाला फिर स्वयं आत्महत्या की। आत्महत्या के केस आर्थिक तंगी के कारण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक तो घर बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है, काम धंधा नहीं है, उसके बाद महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है, खाद्य तेल, मतलब डबल तरह से इंसान को ये मारने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इंसान बेरोजगारी से मर रहा है, दूसरी तरफ महंगाई से मर रहा है। और जहां तक ये कहते हैं कांग्रेस की बेरोजगारी या राहुल गांधी की बेरोजगारी, तो मैं कहता हूं ना, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जो भी राजनीति में आता है, राजनीति में तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह मिलती है सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, इन्हीं को सुविधा मिलती है। इसके अलावा जितने भी नेता होते हैं किसी भी पार्टी के होते हैं, वो फ्री में सेवाएं देते हैं। और सबसे ज्यादा तनख्वाहें किसको मिल रही है वर्तमान समय में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मिल रही है। इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ का प्लान खरीदा। वैक्सीनेशन की बात करते हैं, पीएम केयर फंड में लोगों ने पैसा जमा किया है, अपना पेट काट कर अपने खून पसीने की कमाई पीएम केयर फंड में जमा किया है, कोरोना काल में आएगा तो ये उनका पैसा है। 112 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से पैसा नहीं दे रही है। भी जुड़े हुए हैं, पक्ष रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में माहौल है, आपने बात सही कही कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ रही लगातार चीजें, कोविड काल था, जस्ट नहीं होना चाहिए था, ये आपका हो सकता है। पंकज जी क्या लगता है कि जिस तरीके से आज बीजेपी ने, पूरे देश ने प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाया, कई सारे संकल्प लिए, सेवा कार्य किए, कोविड कैंप लगाए, इससे क्या लगता है आपको घटनाक्रम को देखकर? देखिए हृदय जी, मामला जरा थोड़ा सा राजनीतिक के इसको दे दिया गया है पार्टी की तौर पे, चाहे भले ही भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, लेकिन जन्मदिन पे राजनीति होना ये अपने आप में एक अलग बात है, अलग तरीका मामला है ये आया इस बार। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोशिश करी है कि हमने इसको जनसेवा के भाव से नरेंद्र मोदी का बर्थडे जन्मदिन मनाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो नैतिकता का प्रश्न है। आप दोनों से निवेदन है कि नैतिकता का प्रश्न है कि कितना, किस हद तक हमें इसको मनाना था या क्या हमारे प्रमुख उसमें था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, इस सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि जन्मदिन मनाना, लेकिन अब मनाया तो चूंकि कांग्रेस ने उसको एक मुद्दा बनाया है और उसको बेरोजगार से जोड़ा है, तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठे हैं और उसका जवाब बीजेपी के लोग ही देंगे। कि ब्रज गोपाल जी, कितना सहमत हैं आप राम पांडे जी के आरोप से, क्योंकि आरोप भी गंभीर है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और जो कार्यक्रम हुआ आज खास तौर पर प्रदेश भर में, तो सरकारी खर्च पर किए गए, ये भी कांग्रेस का आरोप है। नहीं देखिए, दोनों बातें मैं बता दूं, सरकारी खर्चे पे वैक्सीनेशन किया गया ये सच है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो महाअभियान चला रहे हैं उसमें 71 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अब इसमें राजनीति कांग्रेस को कहां दिखती है? हमने तो कहीं मना नहीं किया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों को इसके लिए प्रेरित ना करे। अरे ये तो वो लोग हैं जिनने खुद अभी तक अपनी तस्वीर नहीं डाली इनके राष्ट्रीय नेताओं ने कि इनने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, क्योंकि इन्हें भारतीयता पर, भारतीय वैक्सीन पर विश्वास है भी या नहीं है ये प्रमाणिकता नहीं है। दूसरी बात, अभी बहुत जोर की आवाज में आदरणीय राम पांडे जी कह रहे थे कि तनख्वाह मिलती है और राजनीति में उनके लोग बिना तनख्वाह के काम करते हैं। इस देश में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता कि जिस परिवार के 4 पीढ़ियों ने, इस देश के पूरे लोग देख रहे हैं कि 4 पीढ़ियों ने आज तक ना किसी की खेती की, ना किसी की नौकरी की, ना किसी की यहां दुकानदारी की, कुछ नहीं किया। इसके बाद राजगद्दी उनके पास है और राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जवाब इन्हें देना है, वही मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया था कि ये जिनकी बेरोजगारी दूर हो ही नहीं सकती, बेरोजगारी दूर जब होती है जब आपके पास योग्यता होती है, जो रोजगार आपके पास है वह करिए, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि राजनीति 365 दिन की जाती है। क्या राजनीति करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का अवसर था? हमने गरीबों को अन्न पहुंचाया है, जैसे 112 रुपए की बात राम पांडे जी कर रहे हैं। अरे राम पांडे जी, इसके बाद जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसे मालूम है
कि इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार सारे लोगों को निशुल्क टीका पहुंचा रही है। 80 करोड़ लोगों को इस देश में निशुल्क राशन दिया जा रहा है, 8 माह का निशुल्क राशन, और जो अधिकतम संभव हो सकता था वो कोविड के लिए किया गया। अरे आपकी निकम्मी सरकारें अगर शुरू के 60 साल नहीं रही होती ना तो आज इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती और ना इतने लोग कोविड से मरते। जो अभाव आप छोड़ गए थे हम उसको पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य इस देश का यह है कि कांग्रेस का को अपना और देश का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति में दिखाई देता है जिसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगा रहा, कांग्रेस के 26 नेता लगा रहे हैं जिनको ये G26 G23 कहते हैं। कांग्रेस में आज उन्हें भीतर कोई नेता मानने तैयार नहीं, उनकी बातों को गंभीरता से कांग्रेस नहीं लेता और ये उंगली उस व्यक्ति पर उठा रहे हैं जिस व्यक्ति की ऊपर पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की निगाह नरेंद्र मोदी जी। अपने प्रवक्ता जी कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्या ये राजनीति करना जरूरी था, आज का मौका सही था, राम पांडे जी बता पाएंगे? देखिए अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने खुद ने साबित कर दिया कि हम भी निकम्मे हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी निकम्मा है। इन्होंने खुद ने कहा कि पांडे जी शब्दों का ठीक इस्तेमाल करिए, 80 करोड़ लोगों को अन्न बांट रहे हैं, 20 करोड़ लोग थे जिनको अन्न बंटता था 2014 के पहले, 60 करोड़ इन्होंने गरीब बढ़ा दिए, 60 करोड़ लोग इन्होंने बेरोजगार बना दिए, इन्होंने स्वयं ने अपने प्रधानमंत्री को निकम्मा कह दिया और आज देश के 140 करोड़ लोग कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री निकम्मा है। जो काला धन नहीं ला सका, जो प्रधानमंत्री कहता है मैं विश्वगुरु हूँ वो काला धन नहीं ला सका। जिस प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन का 7 साल पहले उद्घाटन किया वो प्रधानमंत्री निकम्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा स्मार्ट सिटी बना हुआ वो प्रधानमंत्री निकम्मा है। आज देश के 140 करोड़ कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री निकम्मा है, ये प्रधानमंत्री मूर्ख है, ये प्रधानमंत्री ढोंगी है, इससे देश को बचाना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, 20 करोड़ लोगों को अन्न मिलता था, आज 80 करोड़ लोगों को बांटना पड़ रहा है। ये ऐसे लोगों के कारण तबाह हो रहा है, ऐसे लोगों के कारण। मुझे ऐसा लगता है कि आप शब्दों के इस तरह के चिल्लाने वाले लोग अच्छा उम्मीद है कि अपनी पार्टी है, लेकिन दूसरे मुझे मन लगता है कि राजनीति के लिए जन्मदिन एक सही विकल्प नहीं था, लेकिन खैर आपने सवाल है तो आपके सवाल जायज थे। सवाल पूछा जाता है वही जवाब देता है। देखिए राम महेंद्र विनम्र आपसे आग्रह था कि ठीक है, देश प्रधानमंत्री है कि उनके गरिमा है, देश का सम्मान, देश का मान है, वो उनके प्रति कम से कम एक सम्मानजनक लहजे में भी बात करेंगे तो शायद दर्शक को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्टी विचारधारा का भी बात सामने आएगी, क्योंकि सवाल खड़े होंगे आपके ऊपर भी। देखिए पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम प्रधानमंत्री का नाम गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण तरीके से लें, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी हम लोगों ने भी कांग्रेस के नेताओं का नाम लिखा है, परंतु उस नाम को सम्मान लेकिन शब्दों का चयन मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे, मुझे लगता है बेहतर देश का काम कर पाएंगे और किसी बहस के नतीजे पहुंच पाएंगे। हमको लगता है हम दूसरे भी भटक रहे, राम पांडे जी मैंने आपसे आग्रह था कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है कम से कम बहस हम सार्थक करें, क्योंकि चर्चा होगी तो कुछ चीजें निकल के सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से सुनेंगे नहीं, बात मानेंगे नहीं, चर्चा उचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तो पद से हटा देना चाहिए। राम पांडे जी आपके पास आकर समझ रहे हैं, हम दर्शक देख रहे हैं और मुझे लगता है इसका जवाब पांडे जी आपको सुन लिया, मुझे लगता है कि आप ब्रज गोपाल जी को बात रखने दीजिए, आप उनको ही सुनिए क्योंकि आप अपनी बात रख चुके हैं। त्याग पत्र दे देना चाहिए जी ब्रज गोपाल। मैं राम जी आपसे निवेदन कर लूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के नहीं है, ढोंगियों का प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री का उल्लंघन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री को क्या जी की बात सुनना चाहिए। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इनकी आवाज कम करें, जिस तरीके से डिबेट हो रही है, एक दिशा भ्रमित ना हो। जो जिस मुद्दे पर हम बैठे थे, मुद्दा बड़ा गंभीर है, क्योंकि एक तरफ जश्न है, एक तरफ विरोध है, तो विरोध कांग्रेस का है और पक्ष भाजपा का है। तो जिस तरीके से चीजें सामने आई है, ब्रज गोपाल जी शालीनता से बात रखेंगे तो बात सामने आएगी, और जो तर्क आप रखेंगे मुझे लगता है जनता सहमत होगी उससे भी। हृदय जी, मैं अभी भी आपकी बात को सहमति रखता हूँ कि इस देश में कांग्रेस को विपक्ष के नाते अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, गरीबी का हो, राशन का हो, कांग्रेस को पूरा अधिकार है वो अपनी बात रखें। परंतु क्या उसके लिए आज का ही दिन उचित था? नहीं था। दूसरी बात, अभी राम पांडे जी ने गंभीर गंभीर बातें कह दी, जो एक्चुअली भारतीय संविधान का उल्लंघन है, कि उन्होंने कह दिया हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। और यही बात प्रमाणित करती है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा भारतीय नहीं है, भारत के बाहर है। आपकी विचारधारा क्यों पाकिस्तान, रोम और इटली तक जाकर रुक जाती है? यही इसलिए कहना पड़ता है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानने से इंकार कर देते हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 125 करोड़ भारतवासियों ने चुना है, और आप में क्षमता हो तो आइए मैदान में। चुनाव में 2024 में चुनाव होगा, आप में दम हो तो हरा दीजिए। अरे आप 414 थे, तब हम 2 थे, परंतु हम अपनी विचारधारा पर कायम थे, हमने अपनी शालीनता का परिचय दिया, इसलिए हम 2 से आज 303 पर हैं। और जब 414 आप थे, आज 44 पर हैं। आप आईना देखिए। और आज मैं ये फिर कहना चाहता हूं, आज का दिन भारत ने कई इतिहास बनाए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों में भी कभी ये कल्पना नहीं की जा सकती कि एक देश एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगा सकता है, अगर वो हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर लगाए। और उसमें भी राम जी को करेक्ट करना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन अभियान छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें भी उतनी ताकत से हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने का दिन है कि आपने पहली बार, इस भारत के लोगों को कभी कल्पना नहीं थी कि जब वैक्सीन 70 साल बाद भारतीयों को मिला करती थी, 20 साल बाद भारतीयों को मिला करती थी, परंतु जो COVID-19 का नवंबर 2019 में चीन में जन्म हुआ और उसकी वैक्सीन जनवरी 2020 से भारत में बनना शुरू हो गई और मार्च से, फरवरी से लगना शुरू हो गई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं ये धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में देश ने ऐसा माइलस्टोन छुआ है, ये जो भारत कांग्रेस सरकारों के दौरान लाकर मांगने जाता था, आज हम हाथ बढ़ाकर उनको डोनर की तरह जा रहे हैं। ये भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 125 करोड़ गर्व के साथ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और आभार व्यक्त जी का कहना यह है कि ज्यादातर लोगों ने कोविड काल में जन्मदिन जैसे उत्सव नहीं मनाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि नैतिकता की दृष्टि से ये उतना उचित? बिल्कुल ठीक है पंकज जी, बिल्कुल ये बात सही है। क्या प्रधानमंत्री जी ने जन्मदिन मनाया है? क्या देश की जनता और लाखों कार्यकर्ताओं ने मनाया? जन्मदिन मनाया किसने? प्रधानमंत्री जी तो आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सम्मान को ऊंचा करने का काम कर रहे थे। विरोध कर रही है कि आखिर देश में इतना जश्न का माहौल क्यों? चूंकि लोग बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग परेशान है, यही कांग्रेस की आपत्ति है, इसी में बात कर रहे थे। मेरा निवेदन है राम पांडे जी आपसे, आप बात रखें तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें, ताकि स्क्रीन है, जनता सुन रही है आपको, अच्छे से बात रखेंगे। आप विषय अच्छा रखते हैं, आप हैं, इसलिए हम मौका भी देते हैं आपको बार बार, तो आप विषय अच्छा रखेंगे, उम्मीद आपसे करते हैं हम, बात रखिए अपनी। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी प्रवक्ता की आवाज बंद कर दी जाए, जैसे मेरी की गई थी आपके द्वारा। नहीं, आपने मेरी आवाज बंद कर दी थी, अब आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि बीजेपी प्रवक्ता की आवाज बंद कर दी जाए। शुरुआत उन्होंने की, आपसे दोबारा से हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, कि बीजेपी प्रवक्ता की आवाज बंद कर दी जाए, तभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाऊंगा। इन्होंने क्या कहा? वैक्सीन कंपनियों की स्थापना हमने की थी, बायोकॉन की स्थापना हमने की थी, कोविशील्ड कंपनी बनाने की स्थापना हमने की थी। शुरू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सरकारी कंपनियां वैक्सीन बना रही है, बाद में झूठ पकड़ा गया, ये दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। कोविशील्ड जो बना रही है वो इंग्लैंड में जो बन रही है कोविशील्ड, उसका केवल प्रोडक्शन कर रही है। ये दोनों कंपनियों की स्थापना कांग्रेस सरकार में की गई थी, इसलिए वैक्सीन को यदि क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस सरकार को जाता है। और
एक एक पेज के विज्ञापन दिया जा रहा है, आज सरकारी विज्ञापन एक एक पेज के दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं हम जश्न नहीं मना रहे हैं। 21 दिन का जश्न चल रहा है, लाशों पर जश्न चल रहा है, इनको शर्म नहीं आती है। और ये मैं कहता हूं ना, ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, यदि हमारे प्रधानमंत्री होते तो ये बंगाल में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, हमारे प्रधानमंत्री होते तो ये यूपी में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, हमारे प्रधानमंत्री होते तो एमपी में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, पार्षद का भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, विधायक का चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, हमेशा विपक्ष के विरोध में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, हमेशा झूठ बोल रहे हैं। एक बात बता दीजिए, आज प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया में देश का सर नीचा झुका दिया है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, सारे देशों में एक ही चर्चा है कि दुनिया में यदि किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झूठा है। इससे शर्म हमें आती है, प्रधानमंत्री भारत को नीचा दिखा रहे हैं। जहां तक ये भारत माता की बात करते हैं, भारत माता को हमने आजाद कराया, भारत माता पैरों में पेड़ियां पड़ी हुई थी, भारत माता के पैरों में पेड़ियां पड़ी हुई थी, जो अंग्रेजों के साथ भारत माता को कैद करके रखा था, भारत माता को स्वतंत्र हमने कराया है। नहीं रामपाणी, पंकज जी का सवाल था कि टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री को टॉप 10 लोगों में शामिल किया है, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया मोदी जी को ताकतवर मान रही है? अरे मोदी जी के पास अंबानी है, टॉप 10 की बात कर रहे हैं, वो नंबर 1 पर छपा सकते हैं। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बाकी सारे चैनल को देख लीजिए जो बड़े बड़े इंडिया में जो चलाए, 24 घंटे मोदी मोदी के अलावा कुछ करते हैं क्या? दैनिक भास्कर पर छापा पड़ गया था, मेरे घर में दैनिक भास्कर भी आता है, पीपुल समाचार भी आता है, सरकारी विज्ञापन पीपुल्स में दिया है, दैनिक भास्कर में नहीं दिया। क्या दैनिक भास्कर का सर्कुलेशन कम है? एनडीटीवी को क्यों नहीं विज्ञापन मिलते हैं? तो ये तो इनके पास पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत पर ये टाइम मैगजीन को खरीद सकते हैं। पहले नंबर की दो बात छोड़ दीजिए, आज सारी सरकारी संपत्तियां 80-90% संपत्तियां अंबानी और अड़ानी क्यों खरीद रहे? देश में 10 चैनल थे, टेलीकम्युनिकेशन की 10 कंपनियां थी, आज केवल जियो अकेली क्यों बची हुई है? आज लेना हमारी मजबूरी होता है, चाहे बिजली कंपनी कितना भी बिल दे, आज हमारी मजबूरी होती जा रही है कि हमें जियो रखना ही पड़ेगा। ऐसे प्रधानमंत्री को हम अपना प्रधानमंत्री कैसे कह दें? ब्रजगोपाल जी देखिए, मैं 2-3 बातें बता दूं, जिन जिन के नाम लिए कोई 7 साल में उद्योगपति नहीं बने। राम पांडे जी आपको याद होना चाहिए, धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी, ये उस समय भी 2014 तक देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे। एक बात, दूसरी बात, आप इस देश के औद्योगिक विकास को चाहते हो और उद्योगपतियों को गाली बकते हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। तीसरी बात, जो सबसे गंभीर बात आप बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, आपने कहा वो प्रचार करने जाते हैं, क्यों प्रचार करने नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहले हैं, उसके बाद वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये आपके यहाँ नहीं होता है, ये आपके यहाँ नहीं होता है, आपके यहाँ आपको राम भरोसे छोड़ दिया जाता है राम पांडे जी, और जिनके आप गीत गा रहे हैं वो ऐश की जिंदगी जीते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में हम समदर्शी संभाव पर काम करते हैं। दूसरी बात, मैं एक आपको फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में भारत की जो मान बढ़ा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाइम पत्रिका वो ना भी छापे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये अर्थव्यवस्था यदि आपके समय से आज 2 गुनी बड़ी हुई है, सिर्फ 7 वर्षों में 2 गुनी अर्थव्यवस्था करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इतनी राशि आप लिख नहीं पाएंगे, 20 लाख करोड़ उतना तो पैकेज केवल 2020 लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपको भी ये लगना चाहिए कि आज जो माहौल है, अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक जन्मदिन मनाया जा सकता है। जन्मदिन में राजनीति करना मैं कहीं से उचित नहीं कहता कि इसमें राजनीति की जानी चाहिए, ये व्यक्तिगत निजी अधिकार है, लेकिन जो खर्चे जिस तरह से दिखावा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर रोक लगाई जा सकती है थोड़ा। पंकज जी मेरी एक बात बताएं आप, कल के अखबार आपने सारे देखे होंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य प्रदेश में विज्ञापन छपे हैं काय के कि वो धान की खरीदी का मूल्य क्या होगा, फुल पेज एड छपे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार में, जिसका कुल खर्च 100 करोड़ नहीं है। यदि इस देश में एक दिन में 250 करोड़ 250 करोड़ टीके लग रहे हैं तो यदि उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया जाता है तो क्या गलत है? जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञापन पर खर्च नहीं होना चाहिए, पहले वो अपनी गिरेबा में झांक कर देखें। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कल के ही अखबार देख लें आप,
मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमने कोई जुलूस नहीं निकाला, हमने सभाएं नहीं की, हमने जलसा नहीं किया, हमने लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। भी इसमें था कि हमने लोगों कांग्रेस का आरोप है कि अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए थी 1 लाख रुपए की, जो आज तक मध्य प्रदेश में किसी भी कोविड पीरियड को नहीं मिली है, जो राशि सरकार ने। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है, उसके बाद अभी तक जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता था उसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं होता था। अब इसके बाद जब कोविड के लोग वहां अपनी दावे प्रस्तुत करेंगे तो इस सरकार ने जो भी वायदे किए हैं, हम वायदा पूरा करने वाले लोग हैं, हम साहिल के तमाशाई नहीं हैं कांग्रेस की तरह, हम तो वायदा पूरा भी करेंगे और इस मध्य प्रदेश और देश की जनता के कल्याण के लिए जो हर संभव होगा वो करेंगे। कोई 1 लाख तो बहुत छोटी सी चीज है, हम बोलोगे नहीं है कि 2 लाख समय की सीमा है, क्योंकि हमें डिबेट समाप्त भी करनी है। राम पांडे जी संक्षिप्त में, अभी इन्होंने स्वयं ने बोल दिया, इन्होंने स्वयं बोल दिया देश जाए भाड़ में, वो प्रधानमंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब कितना इन्होंने घटिया सेंटेंस बोला है कि देश जाए भाड़ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का देश जाए भाड़ में, हम 50 लाख रुपए कोरोना वायरस को नहीं देंगे, देश जाए भाड़ में 1 लाख रुपए हम उनको नहीं देंगे जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, देश के जाए भाड़ में 4 लाख की सीमा है। आप सभी मेहमान ने थोड़ा खास करके बहुत बहुत धन्यवाद, बात चल रही थी बेरोजगारी बनाम जन्मदिवस। तो जिस तरीके से देश ने आज एक तरीके से प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाया, उसके साथ में कोविड सेंटर शुरू किए, कहीं पे सेवा समर्पण के भाव के साथ किया गया, हॉस्पिटल में आयोजन हुए, तमाम तरीके के आयोजन हुए, लेकिन कांग्रेस ने उसके विरोध में आज बेरोजगारी दिवस मनाया, जो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करता है कि कोविड काल के बाद जिस तरीके से देश में माहौल निर्मित हुआ है, क्या वह सही है या नहीं, ये दर्शक हमारे तय करेंगे। इस चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए खबर भारत के साथ, नमस्कार।